movie was fabulous, and it is will be the best movie of Shankar. And इस फिल्म में बहुत अच्छा बताया गया कि हम मोबाइल फ़ोन का जो मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन से पक्षी को नुकसान हो रहा है, इसलिए पक्षी राजन का होना बहुत ज़रूरी था इस फिल्म में. और बहुत अच्छी मूवी है और बहुत अच्छे ढंग से एडिटिंग की गई है. एडिटर बाय एंथोनी वाज टू गुड. और फिल्म इतनी दमदार है, कहीं पे भी नहीं बोल करती फिल्म. और मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले दिन ही 200 करोड़ रुपये कमाएगी. और इतनी अच्छी मूवी है शंकर की, इसको कोई बयान नहीं कर सकता है. विजुअल इफेक्ट्स में जितना जान डाला, और वो उस जो 26,000 विजुअल इफेक्ट्स टीम ने काम किया, इससे अच्छा आपको कोई मौका कभी मिल नहीं सकता. कितने स्टार आउट ऑफ 5? आउट ऑफ 5 10 स्टार. ऑसम मूवी, रजनीकांत का ऑसम रोल. और अगर ग्रे कैरेक्टर की बात करें तो अक्षय कुमार ने बहुत टाइम बाद एक नेगेटिव कैरेक्टर किया, तो किस तरह से कितना इंप्रेसिव नेगेटिव था, बट इसमें पॉजिटिव भी था ना, बर्ड्स के लिए ये सब चीज के लिए ऑसम. और वीएफएक्स की बात करें तो कितने करना चाहिए? ऑसम 5.0. थैंक यू. बहुत अच्छी, बहुत शानदार मूवी थी. रानी सर थे, अक्षय थे, क्या कुछ दिखा आपको उन दोनों की? मतलब एक्शन सीन्स काफी अच्छे थे. मतलब मैं तो सोच रहा हूँ किस तरह से इमेजिन कैसे किया होगा इन चीज़ों को, कन्वे एग्जीक्यूट भी अच्छा किया और उन कंसीव भी अच्छा किया. बहुत अच्छी मूवी है, मतलब सबको देख. ये वो बच्चा थी इसके सामने, जो इसमें जो दिखाया गया वो टू फर्स्ट पार्ट तो मैं बच्चा लग रहा था इसके सामने. बहुत अच्छा, मतलब एवेंजर्स से अच्छा लगा मेरे को. 5 out of 10. Fantabulous, mind blowing, too good, amazing, really. It was just phenomenal. Rajnikanth is a phenomenal actor, और उन्हें एक बार फिर से साबित कर दिया कि आप अपनी आँखें एक सेकेंड के लिए भी नहीं हटा सकते. यू नो, इट्स इट विल ब्लो यू ऑफ. इट्स सच ए नाइस मूवी. नॉट रियली ग्रे एक्चुअली. सेल फोन रेडिएशन से कैसे बर्ड्स मरते हैं उसके ऊपर यू नो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट का उन्होंने रोल प्ले किया जो बर्ड्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, हाउ बर्ड्स डाई बिकॉज ऑफ सेल फोन रेडिएशन. तो उन्होंने वो सोशल मैसेज दिया है. सो ही एक्चुअली कमिट्स सुसाइड एंड देन ही कम्स बैक विद वेंजेंस एंड रिवेंज. सो वो उन्होंने मैसेज कन्वे किया है थ्रू हिज नेगेटिव कैरेक्टर. बट दोनों को ही देख के इतना मजा आया. अक्षय कुमार एंड रजनीकांत आर जस्ट माइंड ब्लोइंग एंड फिनोमिनल. देयर इज नथिंग. आई थिंक जो स्टोरी है, जो सब्जेक्ट है, वो बहुत ही यू नो सोशली रेलिवेंट है. सो आई थिंक वीएफएक्स इफेक्ट्स और जो इस मूवी के एक्शन सीन्स हैं और 3D इफेक्ट्स हैं, वो ऐसी मूवी आज तक मुझे लगता है बनी नहीं है. इतनी अच्छी मूवी है. 5 out of 5. Great movie, ultimate, marvelous, super, mind-blowing. It's a huge blockbuster. I think it will be one of the biggest hits of Indian cinema. Hats off to Shankar sir for making one of the finest movies of Indian cinema. Wonderful movies. VFX was mane what mane jo bolte na ki it's at par with Hollywood, the VFX effects. If you talk about the acting, so which acting you like the most? The Rajni sir is also there. Yeah, yeah. And Akshay Kumar sir. See, it's a complete Thalaiwa movie. Rajni sir has rocked the show because Akshay Kumar ji ka jo wo nikalte hai interval ke baad. So somewhere on the line jo die hard Khiladi Kumar fans hai, they may feel a little disappointed because he enters the frame only in the second half, but he has really proved his worth as an actor. He was the main villain of the movie. So dono ka hi kaam lajawab hai. Special effects, the VFX, I think it was really awesome, mind-blowing. 3D experience was really, it gives you goosebumps. Wonderful movie, wonderful, definitely. Halaki film aur thoda acha hota agar jo Rajnikant sir jo chitti ka entry thoda aur pehle hota to aur thoda maza aata. But it's a completely entertaining movie. Lastly, how many stars would you like? I would like to give 4 stars. Thank you so much. अच्छी लगी, बहुत अच्छी मूवी. रजनीकांत की तो एज ऑब्वियस अच्छी एक्टिंग है, आउटस्टैंडिंग ही है. अक्षय कुमार का अलग रोल देखने मिला, नेगेटिव रोल, उन्होंने बहुत ही अच्छे से लाइक परफॉर्म किया, तो अच्छा लगा. अलग पसंद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था, लाइक अच्छा चल रहा था, फ्लो चल रहा था, तो अच्छा. मोबाइल के ऊपर एक मैसेज देना चाहते हैं तो यूथ के लिए वो अच्छी बात है.
VFX का अच्छा यूज किया है, अच्छा लाइक हाँ अच्छी है, 4.5 बेस्ट मूवी थी, एक्सीलेंट थी, ग्रेट थी, VFX का भी मस्त है, VFX भी मस्त इफेक्ट, आज मूवी फाड़ने वाली है, फाड़ने वाली है, यूनिक कॉन्सेप्ट बताने वाली है, यूनिक कॉन्सेप्ट, दोनों की एक्टिंग भी अच्छी है, रजनीकर का स्टाइल एक्शन तो फेमस है, डायलॉग्स भी अच्छे हैं और जोक्स भी अच्छे हैं, मतलब वी आर अक्षय कुमार फैंस, दैट्स व्हाई अक्षय कुमार का भी एक्टिंग जबरदस्त, एक्शन काफी लंबे टाइम बाद, हां विलन रोल में थे, नेगेटिव रोल, नेगेटिव रोल, उन्होंने रोल बहुत अच्छा सूट हुआ है, मतलब अच्छा सूट हुआ, बहुत अच्छी एक्टिंग की उन्होंने, हिंदी अच्छा था उसका, यस यस, बेस्ट है, क्या सोशल मैसेज है, सोशल आप पिक्चर देखो आपको मालूम पड़ेगा, पर बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत ही अच्छा मैसेज अच्छा है, वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हर अब को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, डायरेक्शन और वीएफएक्स कैसा यूज किया होगा शंकर सर ने, बहुत इतनी मेहनत की है वो दिखाई दे रही है मूवी में, वीएफएक्स भी अच्छा है उसका, अच्छा है, कितने स्टार आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5, यस ओके थैंक यू, रेडी कैसे लगे, बहुत ही बढ़िया मूवी है, हर इंसान ने, हर इंडियन ने देखनी चाहिए, ऐसी ये मूवी है, रजनीकांत है, अक्षय कुमार है, एक सोशल मैसेज है, वीएफएक्स है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, डायरेक्शन है, एवरीथिंग इज ब्रिलियंट, अक्षय कुमार ने बहुत अच्छा रोल किया है यार, मैं स्टोरी तो रिवील नहीं करूँगा, लेकिन अक्षय कुमार एक कैरेक्टर में जिसकी एज 45-50 प्लस है और एक सोशल कॉज है, कुछ खास चीज़ों से उनको लगाव है, नेचर से रिलेटेड जो उनका लुक है बर्ड वाला, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और बहुत अच्छे से किया है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे पूछे मैं मुंबई में हूँ बॉलीवुड में हूँ, तो जब जब रजनीकांत आ रहे थे, चिट्टी भी वही थे, साइंटिस्ट भी वही थे, तो कुछ जगह पर अक्षय कुमार में भी वही थे, तो ऐसा लगता था कि थोड़ा उनको भी करने दो, दोनों अच्छे हैं यार, वो अपनी जगह पर ही अपनी जगह पर है, लेकिन एक स्टेप आगे है, 5 में से 5 मस्ट वॉच एवरीवन, ओके यार समथिंग कमिंग फ्रॉम इंडिया मेक्स मी रियली रियली प्राउड दैट वी आर ब्रेकिंग बैरियर्स, वी आर मेकिंग मूवीज विच आर गिविंग टफ कॉम्पिटिशन टू यू नो द लाइक्स ऑफ द मार्वल मूवीज, द डीसी मूवीज, द वीएफएक्स यूज्ड इन दिस मूवी, mind blowing, you have to go watch it in a theater in good 3D full screen, so that's how the movie is supposed to be experienced, go watch it in a theater, the performances by Akshay Kumar, by Rajnikant, they're fabulous, and there are so many little things that they have done that I can't talk about, but being an artist myself, I actually can relate to how much hard work must have gone into making a movie like this. So, must watch for anybody who loves action movies, who loves movies with a message. It's beautifully made. I love the movie. Who's acting was the best? Akshay Kumar totally stole the show for me. I mean, he comes very late in the movie, but then once he's there, he completely nails it. His character is beautifully written. He has a soft side to him, and then he has this revenge going on. So people will relate to it. People will feel sympathy towards his character, but also going for what kind of message that he's trying to drive. Lovely air, amazing. I'm still not out of the feel. Actually, I want to be there, actually experience the extravaganza. It's amazingly done. Movie also passes social message. How was it? How was the portrait of and the one thing you didn't like? I can't really point out much. Maybe the screenplay could have been a little tighter, but then the message was something that will go with people. I mean, we face problems because of the technology. In fact, it's very right at the time that we are in. Many people keep complaining about, yaar, phone pe rehte ho, puri time phone pe rehte ho. That message will definitely go through. And also the kind of impact that it's creating in the environment. Wo logo ko definitely lagega, there is a problem and we have to address it. So, according to you, which movie is the best, Robot or 2.0? 2.0 definitely takes it, yeah, definitely. How many subs would you like? 5 on 5 for me. 4.5 बहुत अच्छी मूवी है, सबको अच्छी लगी, सबको, हम लोग आज कल रात से सोए नहीं है, हम लोग की एडवांस बुकिंग 3 दिन पहले हो चुकी थी, मूवी बहुत अच्छी है, जैसे कि एक्सेप्ट कर रहे थे सब, उससे बेहतरीन मूवी है, एक ऐसी मूवी है जो एक मतलब बॉलीवुड को कंपेयर कर रही है ऐसा हॉलीवुड लेवल पर, $75 मिलियन के अंदर ये फिल्म ऐसी बनाई गई, मतलब एक बोलने की बात है, शंकर सर को सल्यूट है,
ऐसे डायरेक्टर अगर इंडिया में और आजकल की बॉलीवुड की मूवी जैसे रोमांटिक पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, अगर वो लोग काफ़ी तरह से इस मूवी तरह के ध्यान दे तो हॉलीवुड से कंपेयर करना कुछ मामूली वो बात नहीं है। क्योंकि हॉलीवुड की मूवी जैसे जेम्स कैमरॉन की मूवी हो गई, अवतार हो गई, या फिर जो कि बाकी है इंसेप्शन हो गई, ये सब मूवीज जो है उसके बजट्स होते 2600 करोड़, 3600 करोड़ इसके बजट्स होते। अवतार 2 आ रही है, उसका हुआ बजट हुआ कन्फर्म 3600 करोड़। तो अब 550 करोड़ के अंदर ऐसी फिल्म बन गई बोले तो बहुत बड़ी बात है, जो इंडिया को प्राउड कर रही है। और ये एक ये तमिल सिनेमा नहीं है ना तेलुगू सिनेमा है, ये इंडिया एक इंडियन फिल्म है, एक इंडियन सिनेमा है जो सबको देखनी चाहिए। इसलिए नहीं कि इसमें रजनीकांत है, अक्षय कुमार है, इसलिए कि ये इंडियन फिल्म है जो प्राउड की फील देगी, वो ये गारंटेड है। कंपेयर तो नहीं हो सकता क्योंकि रजनी करूँ तो रजनी करूँ और अक्षय कुमार तो अक्षय कुमार का जैसा एज अ फैन हूँ मैं, वो तो खिलाड़ी और खिलाड़ी अक्षय कुमार बात नहीं। लेकिन रोबोट 2 जैसे रोबोट आई थी उसमें रजनीकांत को तो सबने देख ही चुका है उस अवतार में, लेकिन जो अक्षय कुमार है उनको नया अवतार है जो कि उनके फैंस को बहुत ही अच्छा लगा। मैं एज अ बचपन से मैं अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वो एक इंस्पिरेशन रहे मेरे लिए, तो बहुत ही अच्छा लगा देख के ऐसा दोनों को, और काफ़ी मज़ा आया देख कर, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और शंकर सर को सल्यूट है, शंकर सर को जो VFX, ऐसा नहीं कि सिर्फ VFX डाल दिया है, VFX नहीं डाला है, जहाँ स्टोरी का डिमांड है VFX, इसलिए VFX, वरना VFX की कोई उतना उनका कितने स्टार आउट ऑफ फाइव स्टार बोलने की बात नहीं है, फाइव स्टार भाई, छः स्टार आप भी जाके देखिए, बहुत ही अच्छी मूवी है जो कि आपको सबको अच्छी लगेगी। थैंक यू। काफ़ी अच्छी थी, VFX वाज ग्रेट बट प्लॉट लाइन वाज कंफ्यूज्ड एंड फास्ट पेस्ड। रजनीकांत ऑब्वियसली उन्हीं के लिए गए थे, बट काफ़ी सारे क्रिटिक्स सुने थे मैंने कि रजनीकांत को इस रोल में नहीं लेना चाहिए था, वो थोड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन ऐसा सब नहीं है, आई थिंक ही स्टिल ही हैज दैट कैरिज्मा एंड दैट स्टाइल, सो ही वाज मार्वेलस। आफ्टर 16 ईयर्स, यस, बट आई थिंक काफ़ी अच्छा रोल किया उन्होंने, बट द कॉन्सेप्ट वाज वेरी कन्फ्यूज ऑन हिज पार्ट, स्पेशली प्लॉट लाइन। So, but obviously his performance as an antagonist was amazing. Okay, so how about the, like, if you judge the movie, like, Robert and... Right. So, I think comparison-wise, see, the scale of the film was obviously more better and larger than the first part. Lekin, baat kare story ki, to I think wo yahan pe thodi kam achhi thi. I mean, it was not up to the mark. One thing you didn't like about the movie? I think काफ़ी बचकानी थी, इफ़ यू अवॉइड, जैसे कि जब वसीकरण वो अपने साइंटिफिक जब रीज़न देते हैं वो थोड़ी से फनी है, बट ठीक है, इट वॉज इट इज सेट टू बी अ साइंस फिक्शन, बट उतना लॉजिकल नहीं था, बट ओवरऑल ठीक है, अच्छा था। आई थिंक 3 stars out of 5, वेलकम, सही दी सर, 3 out of 5। मैसेज काफ़ी अच्छा है, आई वॉन्ट से कि ऐसी मूवी है कि आप देखोगे और आप कहोगे कि मैं फिर से देखूँगा ऐसे, but I think overall message was great, gist was good, VFX has been able to do I think the maximum justice so far in comparison to a lot of other movies, budget has been very high, 547 crore, movie started off in the year of 2015, so I think a lot of effort has been put in this particular movie, and I think good job done. देखिए सर, अलग अलग किरदार है, अच्छी बात मुझे ये लगी कि बिफोर अक्षय कुमार, आमिर खान एंड अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर वर अप्रोच फॉर द वेरी सेम रोल, राइट, दे कुडंट एक्चुअली लाइक मेक जस्टिस, आई मीन दे वर नॉट एबल टू बी लाइक वेरी क्लियर विद द रोल, अक्षय कुमार डिड द थिंग, एंड यू नो एट टाइम्स व्हेन अ एक्टर लाइक अक्षय कुमार कम्स अगेंस्ट रजनीकांत, दे कैन एंड अप डूइंग अ लिटिल मोर एंड दे कैन गो हेवायर, बट आई थिंक अक्षय कुमार हैज़ बीन एबल टू डू लॉट ऑफ जस्टिस टू वॉट एग्जैक्टली ही हैज़ बीन आस्क्ड टू डू। देखिए सर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि VFX हॉलीवुड लेवल का पहुँच गया, 547 crore खर्च करने के बाद भी मुझे याद है मैंने रोबोट फर्स्ट पार्ट देखा था, अगर आप मुझसे मुझे कंपेयर करोगे ना तो वो ज़्यादा अच्छी थी, वाई बिकॉज प्रॉब्ली दैट हैड अ एंगल ऑफ लव स्टोरी, ऐश्वर्या राय, थिंग्स लाइक दैट, बट अगर आप एक्शन की बात करो ना, इट्स नॉट वेरी डिफरेंट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इसमें 547 crore खर्च कर दिया। हाँ, VFX ने बाकी के मूवीज़ के कंपैरिजन में, जैसे कि अभी कुछ जो लेटेस्ट आई हैं जैसे टग्स ऑफ हिंदुस्तान, विश्वरूपम 2, उनसे तो बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, पब्लिक वॉज फेयरली सेटिस्फाइड बिकॉज इट वॉज अ फुल हाउस इवन एट 8 o'clock शो, सो या 3 out of 5 सर, थैंक यू सर।